हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वस्त्र कला में। और आज हम हैवी साइज़ 90 की कटिंग करेंगे। हैवी साइज़ 90 बनाने के लिए हमें 3.5 मीटर कपड़ा लेना है। कपड़े को खोलकर डबल कर लेंगे और बंद वाली साइड से निशान लगाएंगे। सबसे पहले लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ 55.5 इंच है और इसमें 1 इंच मार्जिन का लेंगे। शोल्डर पर निशान लगाएंगे। शोल्डर का निशान 10 इंच है और उसमें 1/2 इंच मार्जिन लेंगे, 10.5 इंच। आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल हमारा 10 इंच है और 10 इंच पे आर्म होल पर निशान लगाएंगे। चेस्ट पर निशान लगाएंगे। चेस्ट का निशान हम 56 इंच पर लगाएंगे। 56 इंच है हमारी चेस्ट और इसका 1/4 होगा 14 इंच और उसमें 2 इंच ऐड करेंगे मार्जिन के लिए। अब हमें इसी निशान से सीधी लाइन खींच लेनी है चौक से। हमने निशान लगा लिया है। ये फिटिंग का निशान है और ये 2 इंच मार्जिन का है। आर्म होल पे 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे गोल कर लेंगे। मेजरमेंट कंप्लीट हो गया है, अब इसकी कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है, अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। लेंथ 55.5 इंच है। हमें चोली के लिए 10 इंच हटा लेना है और 10 इंच हटाकर हमें 45.5 इंच पर निशान लगाना है फ्रंट पार्ट का और उसमें 1 इंच ऐड करना है मार्जिन के लिए। अब जहां तक हमारी लेंथ है उसे सीधा कर लेंगे इंची टेप की मदद से और एक्स्ट्रा पार्ट को काट कर निकाल लेंगे। अब फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर बिछा लेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे साइड से। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की कटिंग के लिए हमको कपड़े को पहले डबल में लेना है और उसके बाद उसको 4 फोल्ड में कर लेना है। 4 फोल्ड में करने के बाद सबसे पहले हम अपनी लेंथ लेंगे। लेंथ 20 इंच है और इसमें 1.5 इंच मार्जिन का लेंगे। 21.5 इंच पर हम अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे। आर्म होल 10 इंच का है, उसमें 2 इंच मार्जिन ऐड करना है और ऊपर से हम 4 इंच लेंगे। 4 इंच पर निशान लगाकर अपनी आर्म होल को गोल कर लेंगे। कलाई 7 इंच की है, इसमें 2 इंच मार्जिन ऐड करना है और इन दोनों निशानों को सीधा कर लेना है। अब इसकी कटिंग करेंगे। आपको सामने वाले 2 पार्ट्स को उठाना है और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर कटिंग कर देनी है हल्की हल्की। इससे आर्म होल की फिटिंग बहुत अच्छी बैठती है। चोली की कटिंग करेंगे। चोली की कटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले लेंथ लेनी है। लेंथ हम 10 इंच लेंगे और उसमें 1 इंच ऐड करेंगे मार्जिन के लिए। शोल्डर है 8 इंच और 1/2 इंच ऐड करेंगे मार्जिन के लिए। 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। आर्म होल 10 इंच है और सीधा निशान लगाएंगे आर्म होल का। छप्पन इंच की चेस्ट है और इसका 1/4 हो गया 14 इंच और 14 इंच में 2 इंच मार्जिन ऐड करेंगे तो हम 16 इंच पे निशान लगाएंगे। आर्म होल पर 2 इंच पर निशान लगाकर और इसे गोल कर देंगे। फ्रंट नेक 6.5 इंच है और 1/2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। 7 इंच पर फ्रंट नेक। गले की चौड़ाई 2.75 इंच पर लेंगे और ये 3 इंच पर रेडी हो जाएगा। नीचे से भी 2.75 इंच पर निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला लेंगे सीधा करके। अब आपको गले में जो भी शेप देनी हो दे सकते हैं। मैं यहाँ पर हाईनेक बना रही हूँ इसलिए इसको हल्का वी शेप दे रही हूँ। अब आपको कंधों को 1 इंच डाउन कर लेना है, इसे शेप बहुत अच्छी आती है और इसे भी सीधा मिला लेना है शोल्डर से।
चोली का निशान लग गया है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है, अगर आप चाहें तो यहाँ से थोड़ा सा कट देकर हुखाई भी कर सकते हैं। ये देखिए चोली ऐसे रखेंगे और इसमें दो तीन टक्स देने के बाद ये पूरी फिटिंग आ जाएगी। नाइटी की कटिंग कंप्लीट हो गई है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू।